अस्सलाम वालेकुम, असीं यूटिलिटी स्टोर नकाणा साहब तो यह आटा लिया है। 20 किलो का थैला है। ये न्यू पंजाब फ्लोर मिल्स लाहौर, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आवाम का खसूसी पैकेज। तो ये आटा 2-3 दिन इस्तेमाल किया, तो जो मैदा ख़राब होया तो इन्हें चेक किया, तो ये रबट आटे के रबट जी है वह बरामद हुई है। यह देखो ए आटा है, आटा गुन्ने ते चला। देखो ये एक पेड़े के अंदरों जड़ा ना है रबड़ जड़ी है ना निकली है। रबड़ जड़ी है ना बरामद हुई है। एचों बाजारी आटा न्यू पंजाब फ्लोर मिल्स लाहौर का आटा यूटिलिटी स्टोर पर विक रहा है। ये अंदर रबट है, जरा देखो ए रबट है, रबट इस दे अंदर रबट है। देखो ए रबट, अगर अंदाजा करो कि ए रबट ए आटे दे विचों बरामद हुई है, आटे दे अंदर रबट है। तो ये मैं हुकूमते पंजाब वज़ीर आला बुज़दार उस्मान बुज़दार साहब नू अपील करांगा कि नोटिस लिया जाए। ये आवाम दे नाल बड़ा जुल्म किया जा रहा है कि आवाम नू आटे दे अंदर रबट खिलाई जा रही है। ये न्यू पंजाब फ्लोर मिल्स लाहौर, देखो ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आवाम के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज आटा न्यू पंजाब फ्लोर मिल्स। अगर अंदाज़ा करो किस कदर जुल्म है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है और ए रबट ये आटे के अंदरों बरामद हुई है। तो ये हुकूमत को फिलफौर ये एक्शन करना चाहिए और ये मतलब ये जुल्म है, सेहत के नाल खेलिया जा रहा है, मेदे खराब हो रहे हैं और ये नाकस गज़ा और फिर ये रबट जिदे नाल यकीनन सेहत को बड़ा नुकसान पहुँचता है ते और ये बीमारियां फैलदियां ने। इस वास्ते मैं आवाम को अपील करांगा कि जड़ा ये आटा है फ्लोर मिल्स का ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करो, इतने कोई इतमाद भरोसा नहीं है चक्की का आटा या अपना पिहा के जड़ा ना वो इस्तेमाल करो। ये सानू तो पता लग गया, असी तो बिल्कुल इस आटे नू देस निकाला दे देना, इस तो बाद जड़ा ना बिल्कुल एक मिलां दा आटा जड़ा ना असी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इतमाद ही कोई नहीं। तो हाँ अपना पिहा के जड़ा ना इस्तेमाल किया जाए, चक्की तो लिया जाए। वो मतलब ये है कि ए आटा जो अंदर बंदे दे पेट के अंदर